Red FM Toronto. Red FM. तो हुण साडे सामने अगला एक जड़ा टॉपिक है जो अनाउंस किया गया कैनेडा एमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट बड़ा बड़ा प्रोग्राम है मेजर प्रोग्राम है 9 बिलियन दा फंड है और इहदे बारे नवी लेजिस्लेशन पार्लीमेंट नूं पास करनी पैणी है सो इस फंड बारे सवाल कई तरह के हो सकते ने की फंड है कौन लोग किहदे लई क्वालीफाई करनगे ये शुरू करन दा की परपज की है ते ये सारे सवाल ने इन्हां बारे अज असीं गल करनी आ और इस बारे गलबात करन लई साडे नाल फैडरल सरकार दी तरफों एमपी रूबी सहोता ने जिहड़े कि ब्रैम्पटन नॉर्थ तो एमपी ने थैंक यू रूबी जी तुसी गल कर रहे हो साडे नाल सत श्री अकाल जी सो पहला ते गल इत्थों ही शुरू कर दें क्योंकि पहला सर्ब है पर सर्ब ने तकरीबन हर किसी नूं ही कवर कीता सो फिर उस तों बाद फिर यह स्टूडेंट लई एक अलग सैपरेट प्रोग्राम लॉन्च करन दी लोड़ क्यों पई हां जी सो जिहड़ा सर्ब दा बेनिफिट हैगा द कैनेडियन एमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट ओहो सिर्फ ओहो लोक एलिजिबल हैगे जिहड़े ऑलरेडी जॉब कर रहे सीगे इस टाइम दे विच ते उहनां दी जॉब COVID-19 दे करके छुट गई हैगी आ जां ले ऑफ हो गई आ एंड उहनां नूं जां कोई जिहड़ा सेल्फ आइसोलेट कर रहा हैगा ओहदी टेक केयर करनी पै रही है जां खुद सेल्फ आइसोलेट कर रहे ने जां दे बच्चियां नूं टेक केयर कर रहे ने तो इस तरह दी कुछ क्राइटेरिया हैगी आ जिहड़ी सर्ब बेनिफिट दी आ सो आपां देखिया हैगा भी तकरीबन अबाउट 7 मिलियन नंबर कह रहे हैगे आ भी इस बेनिफिट ने कैनेडियन ने अपलाई कीता हैगा आ स्टूडेंट्स एक अलग कैटेगरी आ जाती है जिन्हों को जॉब शायद इस टाइम ते नहीं सी कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता जॉब सी पार्ट टाइम स्कूल दे नाल नाल कर रहे सी एंड मोस्ट लाइकली वो सर्ब दे लई एलिजिबल है सो वो जिहड़े उन्होंने वर्कर कैटेगरी दे विच इंक्लूड किया जा सकता है एंड वो कुछ हद तक लोग सर्ब लै भी रहे है जिहड़े स्टूडेंट्स सी पर पार्ट टाइम काम कर रहे थे पर कई स्टूडेंट्स जिहड़े एग्जाम्स तो बाद अपनी जॉब ला रहे है अपना पॉकेट मनी कमाते हैं अपना ट्यूशन लिए कवर करने लिए प्रोग्राम बनाया गया है कल जो तुसी अनाउंसमेंट सुनी है एदी काफी एदी हजे लेजिस्लेशन बननी है इट्स द CESRB ओहो $1,250 का बेनिफिट मंथली स्टूडेंट्स को मिल सकता है जे वो अप्लाई करते हैं जो उन्होंने जॉब नहीं मिलती है इस टाइम के जे उन्होंने जी प्रोमिस्ड जॉब सी यूजुअल जॉब जी समर्स करते हैं उस टाइम उन्होंने नहीं बुला पाते हैं दे कैन अपलाई फॉर दिस बेनिफिट ये 4 महीने का बेनिफिट होगा मई तो अगस्त तक तो ये मई फर्स्ट का सा टारगेट है भी मई फर्स्ट से तकरीबन पहले हफ्ते के जो बेनिफिट है अवेलेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स लिए जो पैसे इंपलॉयर्स जाते हैं स्टूडेंट्स को हायर करने लिए उस भी कुछ चेंजेस आई है एंड जो लोन का क्राइटेरिया भी होंगे है स्टूडेंट लोन का एक तो अभी पहले ही अनाउंसमेंट कर दी सी भी इंटरेस्ट नहीं पेगा इस टाइम से इंटरेस्ट ऑलसो अक्रू नहीं होगा इस टाइम के बिल्कुल ही इंटरेस्ट को हटा दिता जाएगा इस टाइम लिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਸਬੀਰ ਪਾਵਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ